नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। आज आए हैं हम छतरपुर के पास में लखनगुआ गांव में। यहां पर एक बहुत ही अच्छा फार्म है जो कि एक युवा किसान का फार्म है। बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के साथ में खेती करते हैं और अधिकतर ये सब्जियां लगाते हैं। तो इन्होंने इस साल शिमला मिर्च की खेती की है, तो हम सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं और जानते हैं कि शिमला मिर्च आपने कौन समय पर लगाई थी, कैसा इसका प्रोडक्शन मिल रहा है, कौन सी वैरायटी है, सभी जानकारी उनसे ही पूछते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। नमस्कार, सबसे पहले ये बताइए कि आप बुंदेलखंड में किस क्षेत्र से आते हैं? बुंदेलखंड में हम छतरपुर एमपी में हैं। लखनगुआ में इनका फार्म है। कुशवाहा जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपने शिमला मिर्च की जो नर्सरी डाली थी किस महीने में डाली थी? जी नर्सरी हमने सितंबर महीने में डाली थी। वैरायटी कौन सी आपने चुनाव की थी? जी सिजेंटा की इंदिरा वैरायटी है। लगभग एक पैकेट में 10 ग्राम सीड आता है उसका, मैंने देखा है। उसमें 1500 बीज के लगभग हैं और कुछ जैसे अपन नर्सरी में जमाते हैं तब अपने 1100-1200 पौधे हो जाते हैं। हाँ, वो तो पैकेट पे लिखा जाता है कि मतलब 70% जर्मिनेशन होगा इसका। तो उसी प्रकार से आपके जो प्लॉट में कितने पौधे लगे हुए हैं? प्लॉट में लगभग 2500 से 3000 के लगभग पौधे हैं इसमें। अच्छा, तो 2500 से 3000 का प्लॉट है, कितने पौधे इसमें लगे हुए हैं? और जो आपने लाइन बनाई है इसका आपने गैप कितना रखा जब लाइन बनाई थी प्लांटेशन के बाद? ये अपना जो लाइन से लाइन है 2 फुट की दूरी पर है। 2 फुट की दूरी पर। और पौध से पौध है वो 1 फुट की दूरी पर है। एक लाइन में आपने 2 पौधे लगाए हैं। और अब ये बताइए आपको सुधा जी कि आपने जो मल्चिंग ली है ये कितने माइक्रोन की? ये 25 माइक्रोन की मल्चिंग है और 3 फिट वाली है। अच्छा, 3 फिट चौड़ाई की है। और 2 कलर है इसमें, सिल्वर और ब्लैक। वो ब्लैक जो है वो नीचे है। हाँ, और सिल्वर कलर अपन का ऊपर रहता है सन रिफ्लेक्शन के लिए। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो आपकी कॉस्ट है बीज में, तो आपने 2 पैकेट डाले थे इसके, ठीक, तो लगभग 1 पैकेट की कितनी प्राइस है मार्केट में अभी? मार्केट में इसकी प्राइस है लगभग 1700 से 1800 रुपए। अच्छा, जो अपने के नजदीक में जो पड़ जाए। लगभग 3500 रुपए का आपने सीड सबसे पहले शिमला मिर्च का नर्सरी डाली। इसके बाद में 1 सितंबर को आपने नर्सरी डाली थी। हाँ, प्लांटेशन कब हो गया था इसका? प्लांटेशन इसका अक्टूबर में हुआ था, 15 अक्टूबर की लगभग। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे जो है बरसात की वजह से इसकी पौध में दिक्कत गई थी, हमें 10-15 दिन और ज्यादा ले ली थी इसने। हाँ। तो ये 1 महीने से भी ज्यादा टाइम लेके गया था। अक्टूबर में थोड़ा टेम्परेचर भी लो हो जाता है, तो इसलिए जो पौधे हैं थोड़ी सी कम ग्रोथ करते हैं, इसलिए आपको 35 से 40 दिन लग गए थे नर्सरी में। आप ये बताइए कि जो आपने ड्रिप डाली है इसके अंदर के नहीं? इसमें 16 mm की ड्रिप डली है। अच्छा। 25 माइक्रोन की अपनी मल्चिंग है। हाँ। कुशवाहा जी, आपकी जो मैच है शिमला मैच बहुत ही अच्छी फील्डिंग है इसमें, मतलब हमने पहली बार ऐसी शिमला मैच उत्पादन लेते हुए देखी है किसी किसान को। तो इसमें आपने स्प्रे कौन कौन से लिए? स्प्रे तो स्प्रे से ज्यादा जरूरी होता है इसकी सॉइल का प्रिपरेशन। अच्छा, जब अपन जो मिट्टी में करते हैं उसमें अपन क्या है कि जैसे अपने सब्जियों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम SSP का। SSP जो है और DAP हो गया, जिंक हो गया, सल्फर और एक माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा किसी भी कंपनी का हो, चाहे धनजाइम का, बैक्टीरिया आता है वो, किसी का भी हो, तो माइक्रोराइजा पर इस्तेमाल करते हैं। वो प्लांटेशन आपका हो गया था, उसके बाद में कोई इसमें रोग आया है, उसमें कोई स्प्रे लिया है आपने? हाँ, इसमें जो है रोग तो आते हैं, गलन की समस्या आती है इनमें, और ये बेल्ट बीमारी हो गई, कुकरा रोग हो गया, काफी समस्या आती है। लेकिन अपन जो है अगर मिट्टी में कुछ दवाई दे रहे हैं अपन, तो उससे ये समस्या से बचा जा सकता। अच्छा, है पहले से ही कंट्रोल हो जाता है, तो रोग आते नहीं। तो आपने स्प्रे कौन कौन से लिए? स्प्रे इसमें फंगीसाइड है तो वो तो अपन 1 महीने में लगभग लेते हैं। और ह्यूमिक एसिड का हो गया, और कासूबी जी, जिंक इंक वगैरह, ये सब अपन स्प्रे से भी देते हैं और ड्रिप से भी देते हैं। अब बताइए आपकी इसमें आपकी जो टोटल कॉस्ट है, 3000 पौधे हैं आपके, कॉस्ट कितनी आई आपको सब मिला करके? हाँ, इसमें ड्रिप मल्चिंग और पौध की लेबर कॉस्ट सब मिला के लगभग अपना 8000 के लगभग हो गया। अच्छा, 8000 आपकी कॉस्ट आई। इसमें दवाई का ऐड हमने नहीं किया है, दवाई का ऐड करके और 2-3 हजार रुपए बढ़ जाएगा, मान लो 10000 के हिसाब से आपकी कॉस्ट आई। अब आपका प्रोडक्शन अभी कब से स्टार्ट हो गया था? प्रोडक्शन तो 1 जनवरी के लगभग स्टार्ट ही हो गया था। पहले तो थोड़ी कम निकला, अब तो काफी निकल रहा है, 30-40 kg से ऊपर भी निकल रहा है। अब 3000 पौधे हैं तो उतना तो निकलेगा। इसकी 2 बार तोड़ाई हो गई है। तो अब ये बताइए कि प्रोडक्शन अभी तक आप कितना ले चुके हैं? इसका प्रोडक्शन हो गया लगभग 70 kg के लगभग। और अभी ये लगा हुआ है तो इसमें 30-40 kg अभी और निकलेगा। 30-40 kg नहीं निकलेगा इसमें, कम से कम 50-60 kg निकलेगा। हाँ, तो वही 1.5 क्विंटल के आसपास उत्पादन हो गया।
अभी रेट आपको क्या मिल रहा है मार्केट? रेट मार्केट का तो वैसे मद्दा ही है, लेकिन 30-40 रुपए केजी के हिसाब से निकल जाता है। अपने एरिया में जो है नहीं जी फसल, नहीं है जिले में अभी कहीं पर, मतलब हमने अभी तक लगी नहीं कहीं पर देखी, तो उस हिसाब से अभी मतलब अभी कब तक चलेगी ये फसल? ये फसल चलेगी अपनी मार्च तक, लास्ट मार्च तक तो आराम से चलेगी। हाँ, जब तक गर्मियाँ होंगी जब तक तो उसका प्रोडक्शन आपको लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फार्म लगा हमें आपका कुशवाहा जी, और बहुत ही अच्छी शिमला मिर्च की जो खेती है, बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के साथ में आपने की है, वो बहुत ही अच्छी फार्मिंग है आपके जो पौधे हैं शिमला मिर्च के, तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे फार्म विजिट करके। हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए।